नमस्कार, आपका स्वागत है फूडी बूडी में। आज की रेसिपी है चिकन बारबेक्यू। देखते हैं इसकी विधि। सबसे पहले हम पतले कटे हुए चिकन को लेंगे बोनलेस, और इसमें हम अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे एक चम्मच, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, और हम इसमें एक टीस्पून हल्दी डालेंगे एक छोटा चम्मच। फिर उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, मैरिनेट करेंगे और 10-15 मिनट के लिए अलग से रख देंगे। दूसरी ओर हम लेंगे कढ़ाई, जिसमें हम एक कप बटर डालेंगे, फिर एक कटोरी कटा हुआ प्याज डालेंगे हम इसमें, 8 से 10 कलियां लहसुन की जाएगी इसमें, और एप्पल साइडर विनेगर जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस रेसिपी के लिए, क्योंकि हम बारबेक्यू सॉस बना रहे हैं। फिर इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी टोमेटो केचप, फिर हम डालेंगे आधा कटोरी रेड चिली सॉस, और हम फिर इसमें डालेंगे कैरेमल पाउडर, जो कि चीनी से बनी हुई है। आप चाहिए तो चीनी भी डाल सकते हैं, पीसी हुई चीनी। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, क्योंकि हमारा बारबेक्यू सॉस थोड़ा सा मीठा होगा। रेड चिली पाउडर भी डालेंगे हम इसमें, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे एक चम्मच, शेजवान चटनी एक चम्मच डालेंगे, सोया सॉस एक चम्मच डालेंगे, ताकि इसे अच्छी तरह से रंग आ जाए। इसे मिलाकर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। वहीं दूसरी ओर हम इस सॉस को अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लेंगे। फिर हम एक कप मैदा, एक कप कॉर्नफ्लावर लेंगे, उसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे एक चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच डालेंगे। मैरिनेट किए हुए चिकन को हम इसमें अच्छी तरह से कोट करके इसे डीप फ्राई करेंगे, तब तक जब तक ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, और फिर हम इसे अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। यह लकड़ी के बारबेक्यू स्टिक से आपको किधर भी मिल सकते हैं। इस तरह से हम चिकन को इस पर लगाएंगे। वहीं दूसरी ओर दूसरे पैन में हम 2 चम्मच बटर लेंगे, हम हमारे बारबेक्यू स्टिक्स, चिकन स्टिक्स इस पर रख देंगे। इसके ऊपर से अब हम हमारा जो पीसा हुआ बारबेक्यू सॉस है वो हम डालेंगे। इसे अच्छी तरह से सॉस को मिलाना चाहिए। कुछ इस तरह से इन स्टिक्स को पलट कर दूसरी ओर भी हमें ये सॉस अच्छी तरह से लगाना है, इस तरह से, और फिर हम इसे गार्निश कर सकते हैं मेयोनीज और धनिये के साथ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आपको रेसिपी कैसी लगी ये भी बताएं।